विकास आंकड़े की आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा झारखंड की खबरों। जय हिंद, मैं सुबेदार नागेश्वर महतो भारतीय सेना में सेवारत हूं। मैं दिनांक 14 मई 2012 को सामलोंग रांची में 2.25 कट्ठा जमीन खरीदा था। खरीदने के पश्चात मैं शांतिपूर्वक दखल कब्जा लिया, बाउंड्री वॉल किया और वहां अप्रैल 2014 को एक छोटा सा एस्बेस्टस का मकान बनाकर रहने लगा। इस जमीन का मोटेशन हो रखा है, रसीद मेरे नाम से कटता है और मैं रांची नगर निगम को हाउस होल्डिंग टैक्स भी देता हूँ। मेरे नाम से बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है और दिनांक 27 अगस्त 2022 को सीओ अरगोड़ा द्वारा इस जमीन का सीमांकन भी किया गया है। मेरे जमीन के ऊपर जमीन दलाल मनीष राही का बहुत दिनों से बुरा नज़र है। उन्होंने दिनांक 5 दिसंबर 2022 को जब मैं कोर्ट की डेट में गया था, मौके का फायदा उठाते हुए पूर्व जमीन मालिक कासिम खान, रजिस्ट्रीकर्ता सैयद मोहम्मद कलीम, असामाजिक तत्व विजय राम तथा अन्य असामाजिक तत्वों की मदद से मेरे घर में लगे हुए 5 ताला को ग्राइंडर मशीन से काट दिया और जबरन दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद उन्होंने दखल कब्जा दिखाने की कोशिश करने लग गया। मैं आकर उन लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन उल्टा हमें ही जान से मारने की धमकी देने लगा। तब मैंने उन लोगों का वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया और लिखित आवेदन नामकुम थाना को दिया। तत्कालीन नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने उनके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेने से साफ मना कर दिया। उसके पश्चात मैंने दिनांक 6 दिसंबर 2022 को मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मिला और घटना की जानकारी दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ लिया और सीधे सचिवालय से ही डीसी रांची को कॉल कर कहा कि जवान की मदद की जाए। मैंने डीसी साहब से मिला लेकिन कोई भी विशेष पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके पश्चात मैंने अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया और व्यक्तिगत मुलाकात भी किया। जब उच्च अधिकारी नामकुम थाना प्रभारी को कॉल करते थे, तब नामकुम थाना प्रभारी सरेआम मेरे बारे में ही शिकायत करता था और मेरे बारे में मिसगाइड करता था। उन्होंने तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम को भी मिसगाइड करके रखा था। जमीन को हड़पने के लिए जमीन दलाल मनीष राही ने इससे पहले कई संगीन अपराध को अंजाम दिया था। उन्होंने दिनांक 13 जून 2022 को मेरे गेट और एस्बेस्टस और पूरब तरफ का बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त कर दिया। दिनांक 13 अगस्त 2022 को फिर जबरन दाखिल हो गया और एस्बेस्टस को उतारने लग गया और दक्षिण साइड का दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं दिनांक 9 सितंबर 2022 को मकान की मरम्मत किया और ताला लगाकर लद्दाख पोस्टिंग चला गया। उन्होंने फिर सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया और उन्हीं असामाजिक तत्वों की मदद से मेरे घर में लगे हुए 5 ताला को काटकर जबरन दाखिल हो गया और दखल कब्जा दिखाने की कोशिश करने लग गया। मैं लद्दाख से ही नामकुम थाना और तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम साहब से और अन्य अधिकारियों से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपनी धर्मपत्नी को उस जमीन के ऊपर भेजा और धर्मपत्नी उन लोगों को बाहर निकलने के लिए कहने लगी, लेकिन जमीन दलाल मनीष राही मेरी धर्मपत्नी के ऊपर ही बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार किया और उन्होंने असामाजिक तत्व से असामाजिक भाषा से गाली गलौज चालू कर दिया और कहा कि कुत्ती हरमजादी, इसी जमीन में तुमको मारकर गाड़ दूंगा। सभी की लिखित शिकायत हमने संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया है, लेकिन अभी तक उन असामाजिक तत्वों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरे इस जमीन में और घर में रखे हुए कई सामान चोरी हुए हैं, जैसे
और बिजली का मीटर, पानी का मीटर, घर का बेड, कुर्सी और अन्य घरेलू सामान की चोरी इन लोगों ने कर लिया है। मैंने लिखित आवेदन दिया है, उम्मीद करता हूं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले को दिनांक 22 मार्च 2023 को माननीय रांची विधायक श्री सीपी सिंह ने मामले को झारखंड सत्र में भी उठाया है और जवान की मदद करने के लिए कहा है, लेकिन अभी तक उन असामाजिक तत्वों को मेरे घर तथा जमीन से नहीं निकाला गया है। मैंने दिनांक 27 दिसंबर 2022 को उन असामाजिक तत्वों को बाहर निकाल भी दिया था, लेकिन नामकुम थाना से आए हुए पुलिस हम लोगों को ही उल्टा भगा दिया। मैं प्रशासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मदद की जाए और माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी मैं निवेदन करता हूं कि मेरा मदद की जाए ताकि मैं सेना में शांतिपूर्वक सेवा दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं आपसे देखिए।